हाय, आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। जस्ट लुक एट रैशनल नंबर। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल लेट्स सी 5/2। 5/2 का रैशनल डेसिमल फॉर्म क्या मिलेगा हमें? 2.5। सो 2.5 इज टर्मिनेटिंग। लेट्स सी सेकंड वन रैशनल नंबर 17/5। 17/5 का डेसिमल फॉर्म मिल रहा है 3.4। सो 3.4 आल्सो रैशनल नंबर। थर्ड वन देखिए 17/6। 17/6 का डेसिमल फॉर्म 2.8333 सो ऑन। अब ये जो मिला है थर्ड वन का डेसिमल फॉर्म, ये मिला है हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई जस्ट लुकिंग एट रैशनल नंबर। हमें तो डेसिमल नहीं निकालना, जस्ट लुकिंग एट रैशनल नंबर। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। लेट्स सी एट डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रैशनल नंबर 2 है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 क्या मिलेंगे? 2 मिलेंगे। जस्ट लुकिंग एट सेकेंड वन डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रैशनल नंबर, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेंगे? 5 मिलेंगे। थर्ड वन का देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 × 3 मिलना है, 6 है, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या मिलेंगे? 2 × 3। तो अब देखिए फर्स्ट टू रैशनल नंबर उसका डेसिमल फॉर्म क्या मिला है? टर्मिनेटिंग मिला है। और थर्ड का हमें मिला है रिकरिंग फॉर्म, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग मिला है। तो हम इससे रूल बना सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 2 है और 5 है और बोथ है 2 और 5, ठीक है, तो उसके डेसिमल फॉर्म मिलता है हमें टर्मिनेटिंग। और अदर देन 2 और 5 है, 3 इज अदर देन 2 और 5, प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5, देन टर्म डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, यही रूल है। सो लेट्स से इन रिटर्न फॉर्म, इन प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर ओनली 2 और 5, 2 और 5 चाहिए नहीं तो बोथ, देन द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। इफ डिनोमिनेटर कंटेन एनी अदर प्राइम फैक्टर्स देन 2 और 5 इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अगर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 है, 3 इज अदर देन 2 और 5, देन द गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। ओके, दिस इज टू इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफाई गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेट्स सी फ्रॉम योर प्रैक्टिस सेट 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज 13/5। सो लुक एट डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर 5। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज ओनली 5। सो डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/5 विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिले? 5 मिले। अगर 5 और 2 मिलता है तो प्राइम डेसिमल फॉर्म क्या मिलेगा उसका? टर्मिनेटिंग मिलेगा। अदर देन 2 और 5 मिलता है तो क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिलेगा। सो लेट्स सी सेकंड वन 2/11। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 11 है, तो 11 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेंगे? 11 ही मिलना है, 11 के प्राइम फैक्टर्स। सो 11 इज अदर देन 2 और 5, इट मीन्स डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ओके, 11 इज अदर देन 2 और 5 है, प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 है, तो इसका मीनिंग क्या है? डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप। ओके, सो लेट्स सी थर्ड वन 29/16। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 16, सो 16 के प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे हमें 2 × 2 × 2 × 2, इट मीन्स 2 रेस टू 4। सो 2 के फॉर्म में है सब प्राइम फैक्टर्स, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर 29/16 विल बी टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, सो लेट्स सी फोर्थ वन 17/125। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 125 इज आर 5 × 5 × 5। ओके, इट मींस 5 की 5 के फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स है, तो डेसिमल फॉर्म क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ वन प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 × 3, बिकॉज यहाँ पे 6 है डिनोमिनेटर, सो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 मिलेंगे। सो 3 इज अदर देन 2 और 5, सही है ना? प्राइम फैक्टर्स कंटेन 3 अदर देन 2 और 5, सो द डेसिमल फॉर्म विल बी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू क्लासिफाई गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।